नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकंड ईयर की में दो पेपर आपके होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी सामाजिक अनुसंधान पुस्तक के अंदर हम लोग अनुसंधान किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी तकनीकियों का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार तत्पश्चात उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। रूरल सोशियोलॉजी में हम ग्रामीण समाजशास्त्र यानी गाँव में किस प्रकार पारिवारिक व्यवस्था होती है, किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था होती है, वैवाहिक व्यवस्था होती है और उन्हें परस्पर संबंध और प्रभाव का अध्ययन करें। यदि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करती हूँ तो इसके अंदर सर्वप्रथम रिसर्च यानी सामाजिक शोध क्या है, वैज्ञानिक शोध और सामाजिक शोधों में क्या अंतर है तथा सामाजिक शोध में किस प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सामाजिक शोध के अंदर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार की सामग्रियां, प्राथमिक सामग्री तथा द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वह अनुसंधान क्षेत्र में जाकर साक्ष्य रूप से प्राथमिक चीजों को इकट्ठा करता है, प्राथमिक डेटा इकट्ठा करता है तथा द्वितीय सामग्री के अंदर जो लिखित साक्ष्य होते हैं, जो लिखा जा चुका है उनका हम पुनः अध्ययन करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, डायरीज हो गई और प्रपत्र हो गए, पत्र हो गए, जीवनियां हो गई, इन सब के अध्ययन के द्वारा हम लोग अपने डेटा इकट्ठे करते हैं। इसके पश्चात हम लोग उसको किस प्रकार से टेबलाइजेशन करना है, किस प्रकार उसका एनालिसिस करना है और किस प्रकार उसका निष्कर्ष निकालना है, इसका अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग सांख्यिकी की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसे मीन, मॉन, मीडिया, जो समांतर माध्य थे, बहुलक थे, उन सब का इसमें उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शोध की किन किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे अगर मैं उदाहरण देती हूँ तो इसमें प्रश्नावली यानी प्रश्नों की सूची बनाकर हम शोधकर्ता जो होता है वो उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर भेज देकर लिखकर पुनः डाक के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। इस प्रकार ही जैसे साक्षात्कार हो गया यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो शोधकर्ता होता है वो उत्तरदाता से विषय, जिस विषय का वो अनुसंधान कर रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। शोध के दौरान ही अवलोकन किया जाता है। अवलोकन भी तीन प्रकार के होते हैं। अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से यदि उत्तरदाता के साथ बिल्कुल उसके साथ सहभागी होकर मिक्स होकर उसके समाज में अध्ययन करता है तो वह होता है सहभागी अवलोकन। यदि वह निष्पक्ष, कभी वह निष्पक्ष हो जाता है, अपने आप को पूर्णतया अलग कर लेता है और कभी उनके समाज में पूर्णतया विलय होकर जानकारियां प्राप्त करता है तो होता है अर्ध अवलोकन। और तृतीय प्रकार का होता है असहभागी, यानी वो किसी प्रकार का कोई समाज में सहयोग नहीं करता है, सहभागी नहीं होता है, वो मात्र एक शोधकर्ता के समान उस समाज में जाता है और दूरदृष्टा होकर होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करता है। इस प्रकार शोधकर्ता प्राथमिक सामग्रियों द्वारा डेटा इकट्ठा करता है और द्वितीय सामग्री, जैसा अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी पुस्तकालय में पेपर वगैरह, पत्र व्यवहार, जीवनियाँ होती हैं, उन सब से फिर द्वितीय रूप से साधनों का इकट्ठा किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग मानव शास्त्र की बात करते हैं यानी एंथ्रोपोलॉजी विषय में सहभागी पूर्णतः सहभागी होता है, यानी एक अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से उस समाज में समाज में घुल मिलकर जानकारी प्राप्त करता है, जबकि समाज शास्त्र में अर्ध सहभागी व असहभागी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जब प्राथमिक व द्वितीय सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो उसका टेबुलाइजेशन होता है यानी सारणीयकरण होता है, उसे स्पष्ट रूप से सारणियां बनाई जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं और रिपोर्ट लिखी जाती है, यानी हमने जो अनुसंधान किया उसके क्या निष्कर्ष निकले, इसमें और क्या और उचित हो सकता है और क्या कमियां रह गई,
और क्या सुधार की आवश्यकता है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। इसी